शादियों में कभी एक डॉल देखी है, बड़ी सी डॉल जो होती है, जो आपसे आके हाथ मिलाती है, मुस्कुराती है। उसके अंदर एक इंसान होता है, उस इंसान को हम नहीं जानते। और ऐसे ही कुछ फितरत लिए कई इंसान इस धरती पर जीते हैं। संदीप जी, आई होप यू गॉट योर आंसर। ठीक है, हाय, हेलो एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा तकरीबन 700 असिस्टेंट की वैकेंसी, जी हाँ, असिस्टेंट की वैकेंसी अनाउंस की गई है। और पैटर्न देखेंगे, एग्ज़ाम डेट कब है वो देखेंगे, ऑनलाइन फॉर्म कब से भर सकते हैं वो सब कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे। फीस कितनी है वो सब यहाँ डिस्कस करेंगे, एज लिमिट क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सब कुछ लेके आया हूँ आपके लिए। ये नोटिफिकेशन, अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर दिस। और अगर चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन है यार, उसको दबा दो, ठीक है, उसको प्रेस कर दो। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो किनारे एक रिंग बेल होगी, उस पर क्लिक कर दो, नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कर सकते हैं आप? वो है 14 अगस्त से तकरीबन 28 अगस्त, 14 दिन का विंडो दी गई है। ठीक है, 14 अगस्त से 28, सिर्फ 14 दिन की विंडो आपको दी गई है। 14 दिन में आप अप्लाई कर सकते हो। किसके लिए? जी, अभी मैंने क्या बताया, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए, जिसके पोस्ट का नाम है असिस्टेंट। 14 से 28 आप अप्लाई कर सकते हो। फीस भी 28 तक ही पे कर सकते हो। टीयर 1, इंपॉर्टेंट डेट 22 सितंबर को है, और टीयर 2 23 अक्टूबर को, तकरीबन 1 महीने बाद टीयर 2 करा लिया जाएगा। कॉल लेटर 10 दिन पहले आपके हाथ में होगा। ठीक है, ये है मोटा मोटा कुछ डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको जानना बहुत ज़रूरी थी, जो यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। 14 से 28 तक आप फॉर्म भर सकते हो। 22 सितंबर को प्रीलिम्स होगा, जिसको टीयर 1 कह सकते हो आप, और अक्टूबर को टीयर 2 होगा। ठीक है, डेट्स हो गई, चलिए आगे बढ़ेंगे। कुल तकरीबन 696-700 के आसपास वैकेंसी हैं, और ये वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, जैसे इनके नोटिफिकेशन में लिखा गया है। मैं आपको वैकेंसी दिखा देता हूँ, आप यहाँ से वैकेंसी देख सकते हो। 1 मिनट, चलिए चलिए मैं आपको वैकेंसीज दिखा देता हूँ, आप वैकेंसीज देख लो जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, पूरा लिखा जोखा है, पॉज कर सकते हो और इसको आराम से देख सकते हो। अदरवाइज नोटिफिकेशन का लिंक नीचे होगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। तकरीबन 23,000 पर मंथ है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं तो तकरीबन ये 32 से 35 हज़ार तक आपको मिल जाएगी, जहाँ तक हम सैलरी की बात करें। ठीक है, सैलरी की बात करें 23 हज़ार तो है, अगर मेट्रो सिटीज़ आप बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 30 से 32 तक आपको ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज़, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, 30/6/2017 तक आप ग्रेजुएट होने चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं सर मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, मैं अभी कर रहा हूँ। तो 30/6 तक आप ग्रेजुएट होने चाहिए, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने भर रखा है और आपका रिजल्ट नहीं आया लास्ट ईयर में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, जिस रीज़न से अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप पंजाब से अप्लाई कर रहे हैं, चंडीगढ़ में पंजाब से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पंजाबी आना ज़रूरी है। अगर आप मुंबई से अप्लाई कर रहे हैं, महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मराठी आना ज़रूरी है। रीजनल लैंग्वेज पे फोकस किया गया है। ठीक है, तो मोटा मोटा दो चीज़ निकल के आई है यहाँ पे। आपको ग्रेजुएशन तो होना होना है, ऊपर से आपसे नॉलेज मांगी गई है रीजनल लैंग्वेज, जिस रीज़न से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए एज की बात कर लेते हैं। चलिए एज की बात कर लेते हैं, तो 30/6/2017 तक आपको 18 से 28 के बीच में होना ज़रूरी है, 18 से 28 के बीच में। ठीक है, मिनिमम 1 जुलाई 1989 और मैक्सिमम 30 जून 1999 के बीच में आपका बर्थ डेट होना चाहिए। दोनों डेट इंक्लूसिव है, मतलब इंक्लूड है। SC/ST/OBC के लिए जो रिलैक्सेशन मिलता है एज पर गवर्नमेंट, यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो। ठीक है, एज के बारे में क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मैक्सिमम 28 है, मिनिमम 18 है, और एज रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पे एज पर गवर्नमेंट रूल। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अप्लीकेशन फ़ीस की। तो तकरीबन 100 रुपीज़ SC/ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है, और जनरल
और ओबीसी के लिए 500 है, जीएसटी 18% है, अच्छे दिन आपके शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो जीएसटी, ठीक है, फीस 500 है यहाँ मेंशन है, और जीएसटी 18% इस पे लग रही है। ठीक है, चलें आगे। चलिए एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। चलिए प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो होगा वो कुछ ना कुछ आईबीपीएस से मिलता हुआ, आईबीपीएस का जो प्रीलिम्स होता है हूबहू वैसे ही है। ठीक है, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 35 क्वेश्चन मैथ के, सॉरी 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, हाँ ठीक है, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 मैथ के, 100 क्वेश्चन आने हैं 100 मार्क्स के। जैसे हूबहू आपने आईबीपीएस दिया होगा सेम वैसे ही है, और 7 टाइम्स मोर देन द पोस्ट बुलाया जाएगा। तकरीबन अगर आप 5-7 हज़ार पोस्ट है तो x7 करेंगे तो 5,000 तकरीबन लोग जाएंगे किसमें, मेंस में। चलिए आप प्री क्वालिफाई करेंगे, आएंगे मेंस में। मेंस थोड़ा सा हेल्दी पेपर होगा क्योंकि मेंस इसका थोड़ा सा हेल्दी देखा जाता है, इंश्योरेंस कंपनी का पेपर जो मेंस का होता है काफ़ी कुछ हेल्दी पूछा जाता है वहाँ पर। तो रीजनिंग आपकी है 40 मार्क्स की, 40 क्वेश्चन है 50 मार्क्स का, इंग्लिश है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, कंप्यूटर है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे आप मैथ कहते हैं 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, 200 क्वेश्चन है 250 मार्क्स के। ठीक है, क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव, यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्वेश्चन विल बी गिवन टू योर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, क्वेश्चन जो दिए होंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिए होंगे एज वी ऑल नो। ठीक है, तो बाईलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई ईच सब्जेक्ट, मतलब हर सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना होगा, जैसे आईबीपीएस में होता है वैसा ही कुछ है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन कट ऑफ रखेगी कंपनी, तो वो उस हिसाब से अपना वो मेंशन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कैंडिडेट क्वालिफाई इन ऑनलाइन मेंस विल फ्यूचर क्वालिफाई इन अ रीजनल लैंग्वेज। अगर रीजनल लैंग्वेज आपने एज अ सब्जेक्ट है आपका 10th में तो सही है, अगर नहीं है तो आपको एक रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट भी से होके गुजरना होगा। ठीक है, बिफोर द फाइनल सेलेक्शन यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है। ठीक है, फाइनल सेलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑन ऑनलाइन मेन सब्जेक्ट टू क्वालिफाई द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेन सब्जेक्ट जो एग्ज़ाम देंगे उसका मार्क्स से ही आपका आगे जो होगा वो सेलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या है देख लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है नोटिफिकेशन में। ठीक है, और हमारे पास देख लेते हैं क्या मिला हमें। अच्छा, एक हमने चीज़ मिस कर दी, जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका यहाँ मेंशन देख लीजिए, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, उसका कोई भी मार्क्स आपको अलॉट नहीं है। जो आपका सिलेक्शन होना है वो मेंस एग्जाम पे ही होना है, रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग ही नेचर होगा। नेगेटिव मार्किंग जो मेंस का है 1/4 है। चलिए मोटा मोटा सब कुछ अप्लाई कर लिया, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है जो आपके जानने की ज़रूरत थी। नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर से देख लें और अप्लाई करें, ज़रूर करें। और एक क्वेश्चन जो अक्सर लोग पूछते हैं, इंटरव्यू, इंटरव्यू नहीं है यहाँ पे मेंशन नहीं है फिलहाल, मुझे नहीं देखा, मुझे इंटरव्यू यहाँ पे मिला नहीं, इंटरव्यू नहीं है, असिस्टेंट पोस्ट इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको मैं एक बार से वाइंड अप करते हुए एक बार फिर से रिव्यू कर दूँ। 14 अगस्त से 28 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 22 सितंबर को इसका प्रीलिम्स होगा, तकरीबन एक महीने बाद 22 या 23 अक्टूबर को इसका मेंस होगा। एस सी एस टी के लिए 100 रुपीज़ है फीस, और ओबीसी जनरल कैंडिडेट के लिए 500 है। एग्ज़ाम 2 टीयर में हो रहा है, टीयर 1 और टीयर 2 में। टीयर 1 जो आपको पता है जैसा आप आईबीपीएस देते हो सेम वही पैटर्न रखा गया है प्रीलिम्स का, टीयर 1 का, और टीयर 2 में हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, चलिए एक बार इस अप्लाई करने से पहले ज़रूर एक बार देख लिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मुश्किल है आज की भागती ज़िंदगी में अपने आप को खुश रखना, लेकिन कोशिश तो हम कर सकते हैं ना। चलिए, टू टेक केयर सर।